नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में पठन बोध के अंतर्गत पढ़ाने जा रहा हूँ पठित गद्यांश। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको अपठित गद्यांश के बारे में बताया था। आइए आज हम आपके पढ़े हुए पाठ्य पुस्तक के कुछ अंशों से प्रश्न लेकर उनके उत्तर लिखेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पठित शब्द का अभिप्राय है जो पहले पढ़ा गया हो। पठित गद्यांश पाठ्यपुस्तक से दिए जाते हैं और ऐसे गद्यांश होते हैं जिनको छात्र पहले पढ़ चुके हैं या आपने पहले पढ़ लिया हो या आपके पाठ्यपुस्तक से ही लिए अंश होते हैं। पठित गद्यांश के उत्तर देने से पूर्व इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको करना क्या है, सर्वप्रथम कम से कम 2 से 3 बार गद्यांश को पढ़ लें, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को रेखांकित कर लें, प्रश्नों के उत्तर को पूरी तरह समझकर सरल भाषा में उत्तर लिखना चाहिए, भाषा का प्रयोग व्याकरण सम्मत होना चाहिए, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए। सभी उत्तर देने के बाद उन्हें एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए ताकि हमने जो उत्तर दिया है वह सब सही है कि नहीं है। इस प्रकार से इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार से गद्यांश दिए जाते हैं और उनके उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। तो हमने आपके पाठ्य पुस्तक से लिया है एक गद्यांश कीचड़ का काव्य से। कीचड़ का काव्य आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था। रंग की सारी शोभा उत्तर दिशा में जमी थी। उस दिशा में तो लाल रंग आज कमाल ही कर दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े से समय के लिए। स्वयं पूर्व दिशा ही जहां पूरी रंगी ना गई हो वहां उत्तर दिशा एक एक करके भी कितने नखरे कर सकती। देखते देखते वहां के बादल श्वेत पुनी जैसे हो गए और यथाक्रम दिन का आरंभ ही हो गया। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है? कीचड़ में पैर डालना किसी को भी पसंद नहीं है। कीचड़ से शरीर गंदा हो जाता है, कपड़े मैले हो जाते हैं, अपने शरीर पर कीचड़ उड़े या किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। यह सब यथार्थ है और हम इनको तटस्थता से सोचे तो देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य नहीं है। पहले तो यह कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है और पुस्तकों के गत्तों पर, घर की दीवारों पर अथवा शरीर पर के जो पहनने वाले कीमती कपड़े हैं उन सब के लिए हम कीचड़ जैसे रंग की तो पसंद करते हैं। कलाभिज्ञ जो लोग होते हैं उन लोग भी भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग पसंद करते हैं। फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एक आठ ठीकरा भी लग जाए तो उसे वार्म टोन कह के विज्ञ जो लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो खुश हो जाते हैं। पर लोग कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। नदी के किनारे कीचड़ सूखकर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। ज़्यादा गर्मी में जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं और वे टेढ़े हो जाते हैं तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिखने लगते हैं। नदी के किनारे जितने मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला हुआ होता है तब वह दृश्य कम खूबसूरत तो नहीं होता, अधिक खूबसूरत होता है। इस कीचड़ का पृष्ठ भाग कुछ सूख जाने पर उस पर यदि कोई बगुला या छोटे पक्षी चलते हैं, आगे 3 नाखून, अंगूठा पीछे, ऐसे उनके पद चिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवा ले जाने की इच्छा हमें होती है। फिर जब कीचड़ ज्यादा सूखकर जमीन ठोस हो जाए तब गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, इन सब के पद चिन्ह अंकित होते हैं और उनकी शोभा बढ़ाते हैं। यही तो कीचड़ की विशेषता है। तो ये रहा आपका गद्यांश। अब यहाँ दिया गया है प्रश्न। प्रश्न 1, श्वेत बादल किसके समान लग रहे थे? लोग कीचड़ के बारे में क्या अवधारणा बनाते हैं?
लोग कीचड़ के किस रूप को पसंद करते हैं? गर्मी के दिनों में कीचड़ किस रूप में दिखने लगते हैं? गर्मी के बाद जब कीचड़ सूख जाते हैं तो किसके पदचिन्ह शोभा बढ़ाते हैं? इस प्रकार से यहाँ पर पढ़े हुए गद्यांश में 5 प्रश्न दिए हैं। अब हमको लिखने हैं इन प्रश्नों का उत्तर किसके आधार पर? गद्यांश के आधार पर। तो आइए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इनके उत्तर। पहला प्रश्न, श्वेत बादल किसके समान लग रहे थे? श्वेत बादल किसके समान लग रहे थे? रुई के जैसे लग रहे थे, पूनी के जैसे लग रहे थे। लोग कीचड़ के बारे में क्या अवधारणा बनाते हैं? तो लोग कीचड़ के बारे में अवधारणा बनाते हैं कि कीचड़ से शरीर गंदा हो जाता है, कपड़े मैले हो जाते हैं और कीचड़ किसी के ऊपर उड़े तो उनको अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से कीचड़ में कोई पैर भी नहीं डालना चाहता। ये सारी अवधारणाएँ कीचड़ के लिए लोग बनाते हैं। लोग कीचड़ के किस रूप को पसंद करते हैं? तो पुस्तकों के गत्तों पर, घर की दीवारों पर, शरीर पर के कीमती कपड़ों के लिए कीचड़ जैसे रंग का प्रयोग हम करते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक निकाल कर ये अंश को देख सकते हैं और इनका उत्तर भी देख सकते हैं। प्रश्न 4, गर्मी के दिनों में कीचड़ किस रूप में दिखने लगते हैं? तो गर्मी के दिनों में जब उनमें दरारें पड़ जाती है, वे टेढ़े हो जाते हैं तो खोपरे के जैसे दिखने लगते हैं। प्रश्न 5, गर्मी के बाद जब कीचड़ सूख जाते हैं तो किसके पदचिन्ह उनकी शोभा बढ़ाते हैं? गर्मी के बाद जब गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़ इन सब के पदचिन्ह उस पर अंकित होते हैं तो कीचड़ की सुंदरता बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम ऐसे गद्यांश के उत्तर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब अभ्यास करिए। एक गद्यांश हमने आपके पाठ्य पुस्तक से लिया है, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। इसमें पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे क्या रहस्य है न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र के नीलवर्णी आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते, लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जो जिज्ञासा थी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं? रामन ये सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही ये विश्वख्यात बन गए। इस प्रकार से यहां पर अंश दिया गया है। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एबीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। बीए और एमए दोनों की परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। इस प्रकार से यह अंश दिया है और इसके लिए दिया है प्रश्न, न्यूटन ने किस रहस्य का पता लगाया? चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? समुद्री यात्रा के दौरान चंद्रशेखर वेंकट रामन के मन में कौन सा सवाल उठा? चंद्रशेखर वेंकट रामन ने अपनी शिक्षा किन विद्यालयों और महाविद्यालयों से पूर्ण किया? वेंकट रामन के पिताजी किस विषय के अध्यापक थे? ऐसे प्रश्न जो आपके पाठ्यपुस्तक में हैं, आपके पाठ्यपुस्तक के अंश हैं और इनसे जो प्रश्न निकाले गए हैं उनका उत्तर आप इस गद्यांश के आधार पर दे सकते हैं। तो इनको आप अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये जो पठित गद्यांश है वह बहुत अच्छे से समझ आया। ऐसे ही हम अपठित गद्यांश के भी उत्तर लिखते हैं।